हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट यूजी काउंसलिंग के बारे में, जो अभी 2024 में अभी होने वाली है आफ्टर योर एग्जामिनेशन। हम सभी को पता है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा नीट यूजी का, उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद सारे स्टेट्स अपनी 1-to-1 काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। एक तरफ ऑल इंडिया की काउंसलिंग और डी मिनिस्ट्री की काउंसलिंग एमसीसी करेगा, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो 1-to-1 उनके डीएमईस जो है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अपनी अपनी काउंसलिंग करेंगे। तो आज हम बात करते हैं जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं या जो बच्चे पंजाब में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए पंजाब की काउंसलिंग क्या रहेगी, क्या बेसिक रूल्स हैं, किस वेबसाइट पर होता है, क्या कट ऑफ जा सकते हैं, जिनकी कि इन सब जानकारी को रखते हुए, इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ एक हेल्दी काउंसलिंग कर पाए और काउंसलिंग में मिसगाइड ना हो पाए। फ्रेंड्स, तो अभी की डेट में, आज की डेट में जो आज के जो एक दो साल में सारे बहुत सारे रूल्स हर साल चेंज होते रहते हैं, तो अब जितनी भी काउंसलिंग होती है वो सारी काउंसलिंग होती है ऑनलाइन मोड के ऊपर। ऑफलाइन मोड के ऊपर फिजिकल फॉर्म में अब काउंसलिंग नहीं होती है। इसी तरह से पंजाब स्टेट की भी काउंसलिंग आपकी होगी ऑनलाइन मोड के ऊपर। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, और लास्ट 4th राउंड जो जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से जानते हैं। ये जितने भी बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो पंजाब में काउंसलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के लिए फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स, आप लोग को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bfuhs.ac.in, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और पंजाब एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट का मतलब होता है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें तो हर स्टेट में सिर्फ स्टेट का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी स्टेट्स में अदर स्टेट वाले बच्चों को भी इनवाइट करते हैं। लेकिन पंजाब के केस में पंजाब बोलता है कि नहीं, हम बाहर वाले स्टेट्स को मौका नहीं देंगे, हम अपने स्टेट्स के ही बच्चों को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो पंजाब बाहर वाले स्टेट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए, एमबीबीएस एडमिशन के लिए इनवाइट नहीं करता है, इसलिए पंजाब एक क्लोज स्टेट है। बीडीएस में एडमिशन के लिए वो ओपन रखता है। बीडीएस में किसी बच्चे को अदर स्टेट में जाना है, दिल्ली के बच्चे को या हरियाणा के बच्चे को पंजाब में जाना है, तो वो काउंसलिंग कर सकता है। और एमबीबीएस में जो सीएमसी लुधियाना मेडिकल कॉलेज है वो ओपन है पैन इंडिया के लिए, और जो एनआरआई कोटा से जो सीटें हैं वो ओपन है पैन इंडिया के लिए, बट जो नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा है वो क्लोज है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। ये बेसिक रूल है पंजाब का। तो सीएमसी लुधियाना के लिए भी आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना रहता है, वहीं पे इसी वेबसाइट पे जाके bfuhs.ac.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो बच्चे सीएमसी लुधियाना में यूआर कैटेगरी यानी कि जो जनरल सीट है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी इसी वेबसाइट से रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीएमसी लुधियाना का जो कट ऑफ है बेसिकली हर साल ऑल इंडिया कोटा से ऊपर चलता है, बिकॉज कॉलेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बच्चे हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा होता है। लेट सपोज़ कि लास्ट ईयर 2010 में 610 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा फिनिश हुआ था, इस बार 618 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा ख़त्म होता है। कोई बच्चा है जिसका स्कोर 622 नंबर आ रहा है, उसको पता है कि इसको सरकारी मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के अंदर मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ कॉलेज बहुत अच्छा नहीं होगा, तो वो उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, इसलिए वो कुछ पैसे दे के भी वो सीएमसी लुधियाना में जाना प्रेफरेंस करेगा। तो इसलिए सीएमसी लुधियाना का कट ऑफ ऊपर चलता है। सीएमसी लुधियाना का इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 625 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इसके बेसिक रूल। डोमेसाइल जो का जो रूल है पंजाब का वो ये बोलता है, एजुकेशन बेस्ड आइदर स्टडीड फॉर 5 ईयर इन पंजाब और 11th या 12th फ्रॉम पंजाब और रेसिडेंट इन पंजाब फॉर 5 ईयर्स और बॉर्न इन पंजाब एंड हैविंग वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट। या तो आप पंजाब में बॉर्न हो, आपके पास उसका वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट हो, या तो 5 साल की आपके पास एजुकेशन हो, या 11th 12th आपने पंजाब से करके रखा है, तो आप वहाँ का बेनिफिट डोमेसाइल का लाभ ले सकते हैं और वहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई क्लॉज नहीं है तो आप पंजाब में काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट सीएमसी लुधियाना या एनआरआई कैटेगरी। काउंसलिंग मोड हमने पहले डिस्कस कर लिया, 4 राउंड की काउंसलिंग होगी और 4 राउंड हमारे ऑनलाइन मोड के ऊपर होंगे। ये से कुछ बेसिक से रूल्स हैं, इसको पता रहेगा तो आप मिसगाइड नहीं होगे, हर चीज़ें क्लियर रहेंगे। उसके बाद हम मेन कट ऑफ के ऊपर आएंगे, कॉलेज के ऊपर आएंगे और ट्यूशन फीसेस के ऊपर आएंगे। फ्रेंड्स, इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं, तो जो भी बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उनको काउंसलिंग फीस जो यहाँ पे 2000 की होती है, उसके अलावा 10,000 रुपीज़ का कॉशन अमाउंट जमा करना रहता है, जो कि ऑनलाइन मोड पे ही जमा करना रहता है। अपने एटीएम का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा ही ये पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और कोई माध्यम नहीं रहता है पेमेंट करने का। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेंगे उनको 1 लाख रुपीज़ का कॉशन अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है फॉर डूइंग काउंसलिंग इन पंजाब। पंजाब के कॉलेजेस जो है वो बैंक गारंटी मांगते हैं, यानी कि जो पहले साल की फीस होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग फीस के लिए वो बैंक गारंटी मांगते हैं, बोलते हैं अपने बैंक से आप लिखवा के लाइए कि आप बाकी की फीस की गारंटी देंगे।
जितने भी NRI की सीटें हैं पंजाब में, जो जितने भी कॉलेज में NRI कोटा है, उसकी जो ट्यूशन फीस है फॉर द इंटायर कोर्स 4.5 ईयर्स, वो आती है $110,000, $110,000 फॉर द इंटायर कोर्स ड्यूरेशन। इसको हम INR में कन्वर्ट कर देंगे उस डेट के हिसाब से, अगर हम आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट 90 लाख रुपीज़ के आसपास का खर्चा हमारा पंजाब के अंदर आता है इन केस ऑफ NRI। ट्यूशन फीस ड्यूरेशन 4.5 साल की फीस चार्ज करता है। अब जो यहाँ पे बेसिक कैटेगरीज हैं, हर बच्चा, जितने भी बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं, अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर काउंसलिंग करेंगे। जनरल कैटेगरी आता है यहाँ पे, OBC कैटेगरी आता है, EWS आता है, SC आता है, NRI आता है, बैकवर्ड एरिया आता है, PWD आता है, PP कोटा आता है, पंजाब पुलिस पर्सन को PP कोटा बोलते हैं, हैंडीकैप वाला जो कोटा होता है, फिजिकली हैंडीकैप होता है, बॉर्डर एरिया का एरिया आता है, डिफेंस के डिफेंस पर्सनल वार्ड आते हैं, TA के टेररिस्ट अफेक्टेड वाले कोटा है यहाँ पे 1%, फ्रीडम फाइटर्स का 1% कोटा है, RA कोटा है, सिख राइट अफेक्टेड कोटा, और जम्मू एंड कश्मीर कोटा है। ये सारे कोटा यहाँ पे आपको एप्लीकेबल मिलेंगे स्टेट काउंसलिंग के अंदर। ऑल इंडिया कोटा के अंदर ये सारे कोटा नहीं रहते, ऑल इंडिया कोटा के अंदर बेसिक जनरल, OBC, SC, ST, PWD और आपका EWS कोटा मिलेगा। बट जितने भी स्टेट की काउंसलिंग होती है वहाँ पे जो एडिशनल कोटा होते हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, बॉर्डर एरिया कोटा हो गया, ये सब हमें स्टेट काउंसलिंग के अंदर ये सारे इसके बेनिफिट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मेन कट ऑफ क्या जा सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस साल 2024 की काउंसलिंग में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर हम लास्ट ईयर के स्टैट्स को डिस्कस करते हैं तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी पंजाब में, वो 584 मार्क्स पे अलॉट हुई थी। रैंक वाइज अगर हम देखते हैं तो 39,282 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुई थी। इस बार का जो स्टैट्स निकल के आ रहा है, जो अभी 2024 में एग्जामिनेशन हुआ है, जो पेपर की क्वालिटी थी, जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनमें देखें तो हल्की सी लीनियंसी आ रही है। तो अब हम पंजाब में भी देखते हैं तो कट ऑफ में हल्की सी लीनियंसी आएगी। तो जो 584 का जो नंबर है, इट कैन बी 590 या 592 तक क्लोजिंग बन सकती है पंजाब में इन फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जिन बच्चों ने अपना स्कोर कैलकुलेट किया कि 600 या 590 के अबव आ रहा है, उनके पास काफ़ी हेल्दी चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जिसका स्कोर जितना अच्छा होगा, जिस किसी का 620 होगा, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन अच्छा वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गुड स्कोर विल प्रोवाइड यू अ बेटर कॉलेज। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक ही बात करें तो 590 प्लस पे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस है फॉर द ओपन कैटेगरी। BC कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकता है, लास्ट ईयर गया था 556 पे, ऑल इंडिया रैंक 59,115 पे, इस बार जा सकता है नियर अबाउट 562 या 562 तक नहीं जाएगा, ये और ऊपर जा सकता है, 565 तक जा सकता है, बिकॉज रैंक फ्लक्चुएशन आएगा नीचे, ज़्यादा बच्चे हो जाने की वजह से रैंक फ्लक्चुएशन आएगा। 565 तक OBC का कट ऑफ जाने की चांसेस दिखाई दे रही है पंजाब के अंदर। EWS कोटा में 570 पे लास्ट ईयर गया था, इस बार 578 या 580 नंबर तक क्लोजिंग जा सकती है पंजाब में। SC कैटेगरी में 420 नंबर पे गया था, SC कैटेगरी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, 425 426 पे SC कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी पंजाब के अंदर। और NRI कैटेगरी में 174 पे लास्ट सीट गई थी, इस बार भी वही नियर अबाउट अंडर 200 180 नंबर 170 नंबर तक NRI कैटेगरी से सीट मिलेगी पंजाब के अंदर। PWD जो कोटा होता है, हैंडीकैप कोटा होता है, इसमें जस्ट क्वालिफाइड जो भी मार्क्स बनेंगे उस पर सीट मिल जाएगी। लेट्स एज्यूम 128 नंबर पे PWD कोटा क्वालिफाइड है तो उसी नंबर पे सीट मिल जाएगी, इसमें कोई भी खास कंपटीशन नहीं होता है। जो बॉर्डर एरिया है इसमें कोई खास लीनियंसी नहीं मिलती, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बिकॉज इसमें काफ़ी वॉल्यूम में बच्चे हैं, बिकॉज पंजाब से डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे कोई खास बच्चा नहीं आता है। तो बॉर्डर एरिया वाले बच्चे अगर UR ओपन के अंदर काउंसलिंग करते हैं तो उनको एक तरह से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें लास्ट ईयर 599 का कट ऑफ गया था, ओपन का गया था 584, इसमें गया था 599 का कट ऑफ, इस बार भी लगभग ये कट ऑफ 603-604 नंबर तक जाएगा, 600 का भी स्लैब ये क्रॉस करेगा। 29,468 रैंक पर मिली थी। डिफेंस के जो लोग हैं उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है डिफेंस पर्सनल में, और इसमें 140 नंबर पे लास्ट ईयर सीट मिली थी, इस बार भी 142 से 145 नंबर तक सीट मिल जाएगी। जो टेररिस्ट अफेक्टेड पीपल्स हैं उसमें 510 नंबर तक लास्ट ईयर सीट मिली थी, इस बार नियर अबाउट 520 नंबर तक सीट मिलेगी। FF फ्रीडम फाइटर कोटा पे 232 नंबर पर लास्ट ईयर सीट मिली थी, इस बार भी लगभग 230 नंबर तक सीट मिल जाएगी, बिकॉज फ्रीडम फाइटर का जो कट ऑफ है हर साल नीचे जाता रहता है, बिकॉज हर साल फ्रीडम फाइटर्स कम होते जा रहे हैं हमारे भारत के अंदर, तो यहाँ पे 230 नंबर तक सीट आसानी से मिल जानी चाहिए। बैकवर्ड एरिया में 595 का कट ऑफ गया था, इट कैन टच नियर अबाउट 600 दिस टाइम। RA जो राइट्स वाले जो राइट अफेक्टेड पीपल्स हैं उसमें 483 का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ गया था, इस बार ये 486 नंबर तक जा सकता है।
उसके बाद पीपी पुलिस पर्सन ऑफ पंजाब, इनके लिए 158 का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, इस बार भी लगभग 160 नंबर 165 नंबर तक आसानी से सीट मिलेगी इस कोटा के अंतर्गत। और स्पोर्ट्स कोटा में 158 नंबर पे क्लोजिंग कट ऑफ गया था, इसमें 160 प्लस पे इस बार भी सीट मिल जाएगी। ये क्लोजिंग कट ऑफ हमने देखे। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो ट्रस्ट वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे, जिसकी फीस 3,86,000 रुपये की है, 3,86,000 की है, प्लस 10% का एनुअल इंक्रीमेंट रहता है, उसका क्लोजिंग कट ऑफ किया जा सकता है। उसमें ओपन कैटेगरी का इस बार का कट ऑफ नियर अबाउट 560 नंबर तक जा सकता है, 560 प्लस में आसानी से मिलने की चांसेस रहेंगी। बीसी कैटेगरी में 540 प्लस पे चांसेस रहेंगी, लास्ट ईयर 536 गया था। एससी कैटेगरी में 382 या 383 नंबर तक जाने की चांसेस हैं, लास्ट ईयर 378 पे गया था। 6-7 नंबर का बढ़ोतरी देखने को मिले, 6 से लेके 8 नंबर के बीच में चांसेस होगी लास्ट ईयर। बैकवर्ड एरिया में 575 नंबर तक जा सकता है। टेरिस अफेक्टेड पीपल जो आते हैं उसमें नियर अबाउट 410 नंबर तक जा सकता है। बॉर्डर एरिया में 580 प्लस जा सकता है। डिफेंस पर्सन में 470 तक जा सकता है। आरए में 430 तक जा सकता है। और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए 415 नंबर तक जा सकता है। ये हमारा हो गया सेमी गवर्नमेंट वाली जो सीटें पंजाब के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद तीन टाइप की सीटें हैं वहाँ पे, एक तो प्योर गवर्नमेंट कोटा, एक सेमी गवर्नमेंट कोटा, उसके बाद एक प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा। तो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपकी जो फीस है 9,92,000 पर ईयर की है और 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 1.5 लाख रुपये, इसकी 386 और इसकी 992। तो इसमें जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 398 पे लास्ट ईयर सीट गई थी, इस बार लगभग ये 410 नंबर तक क्लोजिंग कट ऑफ बनेगा पंजाब के अंदर ओपन के लिए। और बीसी कैटेगरी के लिए 335 नंबर तक क्लोजिंग जा सकता है। एससी में जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी। डिफेंस में नियर अबाउट 300 नंबर तक मिल जाएगी। एनआरआई में 225 नंबर तक और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट में 250 प्लस तक मिल जाएगा। तो 400 नंबर पे लास्ट सीट मिलने की चांसेस है पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब पंजाब में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में नीट में बच्चे अपीयर हुए होंगे तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 300 के भी आएगा, 350 भी आएगा, 250 भी आएगा, 1980 भी आएगा। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे ये एक स्टैट क्लियर हो गया कि ऐसे बच्चों को पंजाब में सीट मिलने की चांसेस कम है। तो अगर आपका ड्रीम है कि इसी साल हमको मेडिसिन का कोर्स करना है, आई हैव टू स्टार्ट माई मेडिकल एजुकेशन, तो आपको पंजाब में आप काउंसलिंग करना चाहते हो, अपने आप को होम स्टेट है तो काउंसलिंग जरूर करो, फॉर्म फिल करो, चॉइस फिलिंग करो, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन डैट काउंसलिंग। तो हमको क्या करना होगा, हमारा बैकअप प्लान, आई हैव टू ऐड सम मोर काउंसलिंग जहाँ पे मुझे सीट मिल जाए, ये आपको करना है। तो ऑल द स्टूडेंट डोज आर हैविंग स्कोर लाइक लेस देन 400 नंबर, आपको एट द सेम टाइम टारगेट कर लेने अभी से अपने अपने स्टेट की, क्या मैं डीम में जाके काउंसलिंग करूँगा, यूपी में करूँगा, हिमाचल में करूँगा, उत्तराखंड में करूँगा, कहाँ पे मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए जहाँ पे मेरे बजट के अनुसार मुझे सीट मिल जाए। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे एक निकाल लिया पंजाब वाले बच्चों के लिए। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से थोड़े से कट ऑफ देख लेते हैं क्या गए थे। सबसे ऊपर आता है जीएमसी पटियाला। जीएमसी पटियाला लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ गई है सेकेंड राउंड में सबसे कम कट ऑफ गया था 629 पे, इस बार भी लगभग 630 नंबर तक पटियाला मिलने की चांसेस रहेंगी। फरीदकोट नंबर सेकेंड कैंपस की पोजीशन लगता है पंजाब के अंदर। फरीदकोट में 605 नंबर पे सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं बची थी, ये भी लगभग इस बार 610 नंबर तक आसानी से मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी के अंदर पटियाला गया था 594 पे, इस बार 600 तक बीसी कैटेगरी से भी पटियाला मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड कैंपस मोहाली की, तो मोहाली में 584 पे थर्ड राउंड मॉपअप राउंड में सीट गई थी, यही क्लोजिंग कट ऑफ था। तो ये नियर अबाउट 592 या 591 नंबर तक मोहाली मिलने की चांसेस बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएमसी अमृतसर की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की, तो अमृतसर में जो सीट गई थी आपकी ओपन की वो 600 नंबर पर लास्ट सीट गई थी, ये लगभग 606 नंबर तक इस बार सीट मिलेगी, सेकेंड राउंड में लास्ट सीट गए थे। तो ये तो हमारे हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं पंजाब के अंदर, काफ़ी कम वॉल्यूम में कॉलेज है और कम वॉल्यूम में बच्चे भी अपीयर होते हैं। अब हम मूव कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट की तरफ, जिसमें से टॉप मोस्ट कॉलेज आता है डीएमसी लुधियाना, जिसकी पहले हम देखेंगे सेमी गवर्नमेंट सीट की 386 वाली फीस विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट। ओपन का जो लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ था यहाँ पे वो था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक दो सीटें बची थी, वो 550 पे गई थी, वो बहुत बड़ा जैकपॉट होता है। अगर राउंड टू राउंड देखें तो फर्स्ट राउंड में 614 नंबर पे सीट गई थी, सेकेंड राउंड में 596, थर्ड राउंड में 585 और लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर एक आध सीट बच जाती, बिकॉज हर बच्चा लास्ट तक रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो 550 पे लकली किसी बच्चे को सीट मिल गई। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड राउंड में इस बार भी 600 के ऊपर ही चलेगा डीएमसी लुधियाना। मॉपअप राउंड तक भी जाते हैं तो मॉपअप राउंड में भी 595 नंबर तक डीएमसी लुधियाना रहेगा। और बहुत ही क्लियर केसेस में होता है कि पंजाब में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बचे। ठीक है,
ये हमने बात के लिए डीएमसी लुधियाना की। यही डीएमसी लुधियाना में अगर कोई बच्चा मैमेन कोटा से सीट लेना चाहता है विद द फीस ऑफ 9,92,000 की, तो क्या कट ऑफ जाएंगे? तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर आता है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो लोग किसी भी रेट पर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मॉपअप राउंड में 553 नंबर पर सीट गई थी, इस बार भी 560 प्लस पर ही डीएमसी लुधियाना के अंदर सीट गई थी जाएगी। सेकंड नंबर पे पोजीशन लगता है पिम्स जालंधर कैंपस, जहाँ पे 75 सीटें गवर्नमेंट कोटा के अंदर आती है विद अ फीस ऑफ 386। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट राउंड 590 पे क्लोज हुआ, सेकंड राउंड 583 पे क्लोज हुआ, थर्ड राउंड 5666 पे क्लोज हुआ, और स्ट्रे राउंड फोर्थ राउंड 563 पे क्लोज हुआ। तो इस बार भी पिम्स जालंधर नियर अबाउट 572 प्लस पे जाने की चांसेस आएगी अंदर सेमी गवर्नमेंट कोटा। पिम्स जालंधर में अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट सीट में क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मैनेजमेंट में भी जो कट ऑफ इसका क्लोजिंग गया था स्ट्रे राउंड में 586 दिया था, इस बार भी नियर अबाउट ये 535 के ऊपर ही जालंधर बंद होगा। थर्ड नंबर पे आता है ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज जो कि बानौर के अंदर पड़ता है, इसमें फर्स्ट राउंड में 576, सेकंड राउंड में 569, थर्ड राउंड में 551 पे हमारा सेमी गवर्नमेंट कोटा क्लोज हुआ है। इस बार भी ज्ञान सागर के अंदर 558 या 560 तक हमारा क्लोजिंग होने की चांसेस रहेंगे। ज्ञान सागर का अगर मैमिन कोटा की बात करते हैं तो ज्ञान सागर का मैमिन कोटा काफ़ी नीचे बंद हुआ था, फर्स्ट राउंड 538, सेकंड राउंड 551 ऊपर चला गया था कट ऑफ, थर्ड राउंड में 585 और फोर्थ राउंड में 482। तो इस बार भी जो ज्ञान सागर है इसमें मैमिन कोटा नियर अबाउट 500 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं या 495 के आसपास भी आ रहे हैं तो ज्ञान सागर हमको मिल जाएगा पंजाब के अंदर। उसके बाद जो लास्ट कॉलेज आता है आदेश, आदेश में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है, उसकी सेमी गवर्नमेंट का कोटा की भी फीस वही है 9,92,000 की, वहाँ पे 386 वाली फीस नहीं चलती है आदेश में। तो आदेश में जो लास्ट सीट मिली थी सेमी गवर्नमेंट कोटा के अंदर वो 402 के अंदर मिली थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, और मैमिन कोटा में 398 के मिला था, यही लास्ट सबसे क्लोजिंग कट ऑफ था आदेश मेडिकल कॉलेज का। तो इसी से एजम्पशन निकाल सकते हैं कि इस बार भी पंजाब का कट ऑफ 400 से ऊपर चलेगा। तो जो भी बच्चों पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, अगर स्कोर आपका 400 के ऊपर आ रहा है तभी आपको लास्ट आदेश मेडिकल कॉलेज तक सीट मिलने की चांसेस है प्राइवेट मैमिन कोटा के अंदर। अगर उससे नीचे का स्कोर आपने कैलकुलेट करके रखा है, अभी जो आपने एजम्पशन निकाला डिफेंस आंसर शीट से, यू हैव कैलकुलेटेड फॉर एग्जांपल 370, 380 और समथिंग लाइक 340, 320, लेस देन 300, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप अपनी काउंसलिंग को सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। प्लेथोरा ऑफ सीट्स इन द इंडिया, हमको देखना है जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि कॉलेज की क्वालिटी को देखते हुए, कम पैसे को देखते हुए, लोकेशन के लिए, वॉट एवर सूट्स यू, हमको वहाँ पे जाके काउंसलिंग कर लेनी चाहिए अभी से। उसके बाद SGRD मेडिकल कॉलेज जो है कि सिख माइनॉरिटी कोटा भी रखता है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो जो माइनॉरिटी कोटा है और जो मैमिन कोटा है दोनों की फ़ीस है 9,92,000, यहाँ पे अलग कोई फीसेस नहीं लगती हैं। तो माइनॉरिटी कोटा में यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है। माइनॉरिटी कोटा में फर्स्ट राउंड में जो था 419 का कट ऑफ गया था, सेकंड राउंड में 405 का गया था, मॉपअप राउंड में 364 पे सीट मिली थी। तो नियर अबाउट माइनॉरिटी कोटा में अगर आप सीट लेना चाहते हैं SGRD के अंदर तो आपको नियर अबाउट 375 नंबर तक आ रहे हैं, तो चांसेस अच्छी हैं कि आपको इसके अंदर सीटें मिल जाएंगी। और इसी के अंदर SGRD के अंदर अगर मैनेजमेंट से जा रहे हैं तो मैनेजमेंट में भी आपका 399 पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल गई थी लगभग 400 नंबर पे, मॉपअप राउंड पे 472 का ही कट ऑफ चल रहा था। तो ज्ञान SGRD के अंदर मैनेजमेंट कोटा से अगर हम ज्यूम करते हैं तो नियर अबाउट 490 के आसपास का कट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रे राउंड में हो सकता है एक आध सीट बच के आ गई, सब बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लकली कोई बच्चा नहीं था तो उसका जैकपॉट लग गया। बट हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की स्ट्रेटजी बनाना पंजाब के अंदर इज टू डेंजर, बिकॉज लगातार पिछले 5 साल से पंजाब में स्टे राउंड की सीटें बची नहीं रही थी, मॉपअप में भी सीटें नहीं बच रही थी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 2023 में पंजाब में मॉपअप राउंड तक सीटें गई थी, वरना मोस्टली पंजाब सेकंड राउंड में ही अपनी सीटों को फिनिश कर देता है, 95 से 96% सीटें सेकंड राउंड तक पंजाब के अंदर फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉलेज जो कि CMC लुधियाना है, मोस्ट पॉपुलर कॉलेज CMC लुधियाना में जो माइनॉरिटी जो सीटें हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले कोटा की, उसमें जो कट ऑफ गया था, इसमें अलग अलग कैटेगरी चलती है, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, ये सारी कैटेगरी चलती हैं। तो 2A का कट ऑफ इस बार नियर अबाउट 170 तक जा सकता है, 2B का कट ऑफ नियर अबाउट 500 तक जाएगा, 2C का नियर अबाउट 410 तक जाएगा, 2D का कट ऑफ नियर अबाउट 380 तक जाने की उम्मीद है, 2E का कट ऑफ नियर अबाउट 350 नंबर तक जाने की चांसेस हैं, 2F का कट ऑफ नियर अबाउट 400 एंड 2G का कट ऑफ नियर अबाउट 500 प्लस पे जाने की चांसेस रहेंगी। ये तो माइनॉरिटी की सीट हो गई,
सीएमसी लुधियाना के अंदर। अब सीएमसी लुधियाना के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें रखती हैं, ऑल इंडिया ओपन की सिर्फ 5 ही सीटें हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ स्टेट से जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई बच्चा राजस्थान से, पंजाब से, सॉरी महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, यूपी, बिहार से अप्लाई करना चाहता है तो ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 5 सीटें रखता है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 628, सेकंड राउंड 617 और लास्ट राउंड में 627। इस बार भी जो क्लोजिंग की चांसेस है, मिनिमम मार्क्स 625 होने चाहिए अगर आप सीएमसी लुधियाना को टारगेट कर रहे हो। इसकी फीस है 6,60,000 और 10% का एनुअल इंक्रीमेंट रखता है सीएमसी लुधियाना। इसके अलावा ओपन की सीट जो कि पंजाब वाले बच्चों के लिए है, उसमें जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो नियर अबाउट 580 नंबर तक जाने की चांसेस है। बीसी के अंदर 550 नंबर तक जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी के अंदर नियर अबाउट 490 नंबर तक चांसेस रहेंगे और एनआरआई कैटेगरी से जो बच्चे अप्लाई करेंगे, एनआरआई की 15 सीटें हैं इसके अंदर, तो एनआरआई कैटेगरी के अंदर ये इसकी जो चांसेस रहेंगी नियर अबाउट हो सकता हो 300 नंबर तक भी आसानी से सीटें मिल जाए और लेस देन 300 तक भी मिल सके। इसमें आप अप्लाई करके देख सकते हो, किसी का स्कोर 350 के ऊपर है तो 100% सीट आपको इसमें मिलेगी सीएमसी लुधियाना के अंदर। इसलिए आप एनआरआई के अंदर आपको यू हैव टू ऐड सम मोर काउंसलिंग, यू कैन नॉट रिलाई 100% ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलेज बिकॉज दिस इज मोस्ट डिमांडेड कॉलेज। ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्यूमेंट मेल करने रहते हैं। चिंतापुरी मेडिकल कॉलेज भी था लास्ट ईयर लेकिन उस कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो दिस इज ऑल फॉर पंजाब, यही पंजाब का टोटल मैट्रिक्स है। तो हमने देख लिया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं पंजाब के अंदर और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए पंजाब वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों का 400 से कम का स्कोर आ रहा है दे हैव टू टारगेट द अदर स्टेट काउंसलिंग, और जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें रहेंगी। सो आज सेशन में हमने पंजाब बात किया, आगे वाले सेशन में और जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं इंडिया के वहाँ पे क्या क्या बेसिक डिटेल्स है, क्या हमारी काउंसलिंग पे स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन से स्टेट्स, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप हमारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट edusses.com पे भी जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे इंडिया के सारे जितने भी कट ऑफ होते हैं, ऑल इंडिया कोटा, ESIC, डीम्ड, सारे स्टेट के पिछले 4-5 साल के कट ऑफ फीसेस, ये सब सारे डेटा अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर भी जाके आप एडुएसएस के ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी सारे कट ऑफ सब अवेलेबल और सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब देख के एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपके पास एक अच्छी हेल्दी नॉलेज रहेगी और उस नॉलेज के बेस पे आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, जैसे बच्चे काफ़ी बच्चे होते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं और उसमें अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये सारे कंटेंट के साथ अपनी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो काफ़ी बच्चे होते हैं कोचिंग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं कि कोई मेंटर उसको गाइड करे, अच्छे से प्रिपरेशन कराए, तो आप हमारी मेंटरशिप ले सकते हो, उसके अंदर भी काउंसलिंग कर सकते हो, जिससे कि जो भी आपका स्कोर हो उस पर आप बेस्ट काउंसलिंग करके आसानी से सीट ले सको फ्रेंड। और इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली है इसमें लगभग 25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लगभग 13 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड होंगे। ऊपर से तो बच्चे कम होंगे लेकिन 300 के नीचे वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं। इन बच्चों को बेसिकली मेन काउंसलिंग करनी है, यहाँ पर बहुत अच्छी स्मार्ट काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ डिले हुआ, कुछ आलस हुआ, डिसीजन लेने में आपने टाइम लगाया तो आपको सीटें मिलने की चांसेस कम है, या सीट मिलेगी तो कॉस्टली सीट मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट लर्निंग काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से अच्छा नंबर प्रोड्यूस कर लिया, 500 नंबर प्लस है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी वाली है काउंसलिंग में। विद द स्कोर ऑफ 300 प्लस यू हैव टू बी वेरी मच फोकस इन द काउंसलिंग फ्रेंड। तो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट यूज रिजल्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।